मैदान में जब आती है ना तो वो कहती है ना कि अपने जरा पांव मजबूत लेके आते हैं और मजबूत पांव के साथ लड़ते हैं, सियासत करते हैं। सियासत में ये नहीं होता हुक्म चलाना, हुक्म चलाने वाला दौर खत्म हो गया है। इसलिए जरा सब्र करें, अभी तो इश्क के इम्तिहान और भी हैं, अभी मिलिट्री कोर्ट भी है। किसने कह दिया कि मिलिट्री कोर्ट नहीं है? और ये इतनी कमजोर फौज नहीं है कि आप इसको गालियां देके दबा लेंगे? आपको तो एक साल से पड़ा हुआ है, 10 बंदे आपके पास आते नहीं है, एक साल से पड़ा हुआ है बेचारा। वो खून की नहरें बहनी थी, बाहर आने थे 10 लाख अफराद, वो 20 लाख पता नहीं स्टूडेंट आने थे। और बांग्लादेश कौम है, वो कुर्बानी देना जानती है। आप बांग्लादेश की बंगालियों की मिसालें लेके बैठ जाते हैं। मैं पहले इनको बता दूं, इत्मीनान रखें, वो परेशान हो गए मेरे खड़े होने पे। मैं सिर्फ एक गुजारिश, बड़ा एहतराम है लीडर ऑफ द अपोजिशन का, इतनी नफरत अपनी फौज से मुतल्लिक, जिस फौज ने इन्हें इज्जत दी, इनके घर को इज्जत दी, इनका नाम रोशन किया इस पाकिस्तान, ये तो फिर देखे ना, फिर अगर आप ऐसी बातें करेंगे तो फिर मैं डाइवर्ट हो जाऊंगा, तो फिर आप डाइवर्ट फिर बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। मैं बहुत अच्छी गुफ्तगू करूंगा। मैं गुजारिश ये करना चाहता हूं, ये तो फिर कोई बात ना हुई ना, बर्दाश्त तो करें ना, अभी हौसला रखें, बर्दाश्त करें। मैंने कुछ भी नहीं कहना, मैंने कोई बात की है जनाब चेयरमैन, आप मेरी बात सुने जी। आप हमने इत्मीनान से बात सुनी है जी जी, ये तो कोई बात ना हुई, ये तो पहचान ही कोई। मैं इसके बाद आपको, मैं अपनी बात मुकम्मल करूंगा, इसके बगैर मैं बैठता नहीं हूं। सुने जनाब चेयरमैन, इतनी नफरत, पूरी स्पीच उठा के देखें कि उसके अंदर वीगो डागा डाला, फिर उसके अंदर इंटेलिजेंस अदारों को केजीबी कहना, पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं, गालियां दे रहे हैं। यानी अंदाजा लगाएं, जो नौजवान इस वक्त अपनी शहादतों के नजराने पेश कर रहे हैं इस मुमलकत खुदा दादे पाकिस्तान की खातर, ये बातें तो हमने सजाए मौत और फांसी की कोठरी को देख कर नहीं की। और आप लोगों ने, यार हुआ क्या आपके साथ, कांटा आपको नहीं चुभा। सारे आप बाहर फिर रहे हैं, चिल कर रहे हैं, कोई कहां चिल कर रहा है। और आपकी गुफ्तगू का अंदाज, बहुत अफसोस हुआ उस घराने से जिस घराने ने अपना फील्ड मार्शल लिख लिया था बगैर कोई जंग जीते हुए, उसे फील्ड मार्शल ही लिख लिया, उन्हें अपने कोने ही लगा लिया। कहने से मुराद यह है कि उनको छोड़ दें, चले हमें उस पर कोई इतराज नहीं है, लेकिन खुदा का खौफ करें, उसी फौज को। ये सारी गुफ्तगू आपकी, खुदा के लिए अगर ये हिंदुस्तान की फौज के खिलाफ होती, ये इसराइल के खिलाफ होती, इजरायली फौज के खिलाफ होती, तो खुदा की कसम इस कलेजे पे ठंड पड़ती और हम भी आज क्लैपिंग करते। मैंने समझा शायद हमें कोई ऐसी कहानी सुनाने लगे हैं जो इस मुमलकत खुदा दादे पाकिस्तान में पहले सुनाई गई थी। यानी फर्ज किया कि हमने 90 लाख नौकरियां देनी है, पता नहीं 1.5 करोड़, 50 लाख घर बनाने हैं, 1.5 करोड़ नौकरियां देनी है, 90 दिनों में करप्शन का खात्मा करना है, और केपीके के अंदर हमने जनाब वो जो है 350 डैम बनाने हैं, वहां पर हमने दूध की नहरें बहा दी हैं। मैं समझा शायद ऐसा कोई और हम ख्वाब देखने के लिए जनाब उठे हैं, आपने तो सारे का सारा ख्वाब ही जो है वो इस तरफ ले गए हैं कि जिस तरफ इस वक्त दुनिया जो इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर हमलावर हो चुकी है, आप तो उनके अहलकार लग रहे हैं। मुझे तो लगता है जो अमेरिका से, इसराइल से जो फंडिंग आई है आपको या आ रही है, उन लोगों की तरफ से जो वहां पे इसराइल के एजेंट बैठे हुए हैं, तो शायद इसी काम के लिए है कि आपने फोकस एक इंस्टीट्यूशन को करना है। कभी आपको आपके हक में फैसला ना मिले तो आप चीफ जस्टिस के गले पड़ जाते हैं, बेशक वो हाईकोर्ट इस्लामाबाद का हो, चीफ जस्टिस पाकिस्तान का हो। अगर आपको थोड़ी सी तकलीफ पहुंच जाए तो आप कहते हैं जी हमें तो एजेंसियों ने उठा लिया है, हमें तो फलाने उठा लिया है। वो इस मैदान में जब आती है ना तो वो कहती है ना कि अपने जरा पांव मजबूत लेके आते हैं और मजबूत पांव के साथ लड़ते हैं, सियासत करते हैं। सियासत में ये नहीं होता हुक्म चलाना, हुक्म चलाने वाला दौर खत्म हो गया है। इसलिए जरा सब्र करें, अभी तो इश्क के इम्तिहान और भी हैं, अभी मिलिट्री कोर्ट भी है। किसने कह दिया कि मिलिट्री कोर्ट नहीं है? अभी तो आप कहते हैं 9 मई की विजुअल्स लेके आए, अंधे हैं जिन्हें पता नहीं चलता कि 9 मई को क्या हुआ था। वो जीएचक्यू पे मैं गया था, वो हमजा कैंप मेरे हल्के में है, मैंने हमलावर हुआ था,
वो आपने कोर कमांडर हाउस लाहौर मैंने जलाया था, वो बानिए पीटीआई की वर्दी किसने पहनी थी, किसने उतारी थी? कैसी बातें आप कर रहे हैं कि जी वीडियो लेके हैं, वीडियो क्यों अंधे हैं सारे? 25 करोड़ आवाम अंधी है, पूरा मीडिया अंधा है, जज अंधे हैं या फिर कोई और अंधा है? सबको नजर आ रहा है कि आपने हमला किया है प्लानिंग के तहत, आपके खिलाफ वादा माफ गवाह तैयार हो गए हैं, वो वादा माफ गवाह तैयार हुए हैं आपके खिलाफ, इतने बड़े बड़े एविडेंस हैं आपके खिलाफ कि आपका बचना नामुमकिन है, इसलिए आप उसके बचने की तदबीर करें, ना कि रोज आप गालियां निकालें आगे। गालियां निकालने से आपको नुकसान होगा, फायदा नहीं होगा, और ये इतनी कमजोर फौज नहीं है कि आप इसको गालियां देके दबा लेंगे। जो रशिया से नहीं दबे और जो मुल्की दुश्मनों से नहीं दबे वो आपसे दब जाएंगे, आप तो हैं ही कुछ नहीं, आपको तो एक साल से पड़ा हुआ है, 10 बंदे आपके पास आते नहीं हैं, एक साल से पड़ा हुआ है बेचारा, वो खून की नहरें बहनी थी, बाहर आने थे 10 लाख अफराद, वो 20 लाख पता नहीं स्टूडेंट आने थे, और बांग्लादेश कौम है, वो कुर्बानी देना जानती है, आप बांग्लादेश की बंगालियों की मिसालें लेके बैठ जाते हैं, करें ना निकले, किसी ने रोका आपको? जाके कोई एक आदमी, अच्छा जी तर्जमान क्या कहता है जिनको ये गालियां निकाल रहे हैं? इनका तर्जमान रऊफ हसन कहता है, मैं नाम लेके कहता हूं, वो कहता है कि हमारे फौज से रबते हैं, कोई इस्टेब्लिशमेंट ना कहा करें, हमारे फौज से रबते हैं, हमारे इंडिविजुअल के रबते हैं, ये जो कसम उठा के 99 डेज के अपना ये नाम लिखे हुए हैं अल्लाह मियाँ के, इसके नीचे 99 नामों के नीचे ये कहें कि इनके इंडिविजुअल के रबते नहीं हैं, किसके कहने पे इन्होंने जलसा मनसूख किया, किसके? ये कदम कदम बलाएं ये सवा देख हुए जाना, ये कदम कदम बलाएं ये सवा देख हुए जाना, जिन्हें जिंदगी हो प्यारी वो यहीं से लौट जाए। सीधी सी बात है, अभी भी मौका है आपको, अभी भी मौका है, माफी मांगे मैं चलता हूं आपके साथ, प्राइम मिनिस्टर की जरूरत नहीं है, किसी की जरूरत नहीं है, मैं आपके साथ जाके माफी दिलाता हूं, अपने 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 लोग हैं ना जिन पे आपने चढ़ाई की है, जिनको आपने आग लगाई है और दुश्मन का कलेजा ठंडा किया है, आज की तकरीर भी लीडर ऑफ द अपोजिशन वो दुश्मन का कलेजा ठंडा किया है, इन्होंने उन शहदा के वो जो वारस हैं उनके कलेजे पे छुरी चलाई है जनाब चेयरमैन, ये कैसे मुमकिन है मुझे बताएं? उन लोगों पे उन ये जो खैबर पख्तूनख्वा का जिक्र करते हैं, ये जो बलूचिस्तान का जिक्र करते हैं, ये कोई रावलपिंडी में शहीद तो नहीं हो रहे, वो तो उन पहाड़ियों पे हो रहे हैं, बलूचिस्तान की पहाड़ियों पे हो रहे हैं, एक एक गाड़ी पे 1000 गोली लगती है और नौजवान कैप्टन शहीद होता है जिसका 6 माह का बच्चा होता है, वो भी किसी माँ का बेटा है। आप क्यों भूल गए अपने इक्तदार की लालच में? आप क्यों भूल गए इक्तदार की हवस में? क्या आपको वजीर आजम बना दिया जाए तो सब ठीक, फिर तो हर चीज ठीक, अगर वजीर आजम नहीं बनना तो भाईजान वजीर आजम बनने के लिए जो बने थे वो फांसी भी चढ़े थे, वो जिला वतन भी हुए थे, उन्होंने कैदें भी काटी थी, तो इसलिए वजीर आजम बनने के लिए ये क्वालिफिकेशन है। आप जरा थोड़ा सा सब्र करें, आपकी रात लंबी है, बाकी तो अल्लाह जानता है, मैं अल्लाह मियाँ की बातें तो नहीं आपको बता सकता, लेकिन आपकी रात लंबी है और इस लंबी रात में और लंबी दौड़ में जरा आराम आराम से चलें। मैं तो हर वक्त लीडर ऑफ द अपोजिशन का सांस फूला हुआ देखता हूं, इतना सांस फूला हुआ होता है, और मेरे साथ रहे हैं माशाल्लाह मियां नवाज शरीफ साहब के हक में, इन्होंने इतने जोरदार नारे मारे हैं कि शायद पाकिस्तान की तारीख में मैंने भी नहीं मारे, मैंने नहीं मारे आज की डेट तक नहीं मारे, ठीक है जी। इसी तरह चौधरी शुजात हुसैन, परवेज मुशर्रफ साहब, कोई बंदा इन्होंने छोड़ा नहीं, इमरान खान साहब, और जो शहबाज शरीफ साहब की तारीफें हुआ करती थी वो भी हमारे कानों ने सुनी, अच्छी बात है, कोई बात नहीं, इन्होंने फिर एक दफा किसी ना किसी जगह जाना है, लेकिन उस इंस्टीट्यूशन पे आप हमलावर ना हो जो आपके घर से था। मैं आपसे सिर्फ यही रिक्वेस्ट करता हूं कि उनको कहते हैं ना, मैं फिर सुना देता हूं कि जब तक ना जले दीप, सुन लें, जब तक ना जले दीप शहीदों के लहू से, कहते हैं कि जन्नत में चरागा नहीं होता, ठीक है, जन्नत भी लेनी है तो उन्होंने सहारा लेके लभेगी। तो मेरी गुजारिश आखिर में जनाब चेयरमैन यही है कि हम अपनी कमी कोताहियां जो हैं उनको कम से कम हम इंस्टीट्यूशन पर हमलावर होकर ना दूर करने की कोशिश करें।
लें, सजाएं भी लें ना। अगर मैं फर्ज किया, एक मिसाल देता हूं जी आखिरी में, बानी पीटीआई को सजा हो जाती है मिलिट्री कोर्ट से, वैसे मैं एक मिसाल दे रहा हूं, मुझे नहीं पता, अगर उन्हें 14 साल सजा हो जाती है, 25 साल कैद हो जाती है, तो क्या करेंगे आप, मुल्क को आग लगा देंगे? नहीं लगती आग, कैसे लगेगी? नहीं लगेगी। इसलिए लोगों के सामने वो पूरे मंजर होंगे 9 मई के, जिसमें रेडियो पाकिस्तान को आग लगाई गई थी, जिसमें उस जहाज को आग लगाई गई थी जिसने हिंदुस्तान पर हमलावर हुआ था, जिसने 8 जहाज जो है वो गिरा दिए थे, एक जहाज ने उसको जाके इन्होंने आग लगा दी, तोड़ दिया। तो जनाबे चेयरमैन, मैं फिर आपसे गुजारिश करूंगा कि हमें एहतियात करनी चाहिए। अदलिया पर हम हमलावर उस वक्त हो जाते हैं, कभी इनको कई जजों की जो है उम्रें कम कर दें तो फिर अच्छी लगती हैं, ज़्यादा कर दें बुरी लगती हैं, और गुड टू सी वाले जज चाहिए इनको, और इनको मर्सिडीज गाड़ी देने वाले जज चाहिए, और बुलाकर इनको सादक और अमीन कहलाने वाले जज चाहिए। वो ऐसे जज काफ़ी हद तक ख़त्म हो गए हैं, बाकी जो रह गए वो भी इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएंगे। तो मेरी आपसे गुजारिश आखिर में बस यही है कि हमें एहतियात करनी चाहिए और बड़ी एहतियात से काम लें। अगर गुस्सा मजीद आए तो मुझे कोई इतराज़ नहीं है, उस पर कैरी ऑन रखें, कीप इट अप, थैंक यू। डिजिटल मीडिया के इस तेज रफ्तार दौर में खबर वही जो बर वक्त और जामे हो, अब होंगी जदीद दौर से हम आहंग। दुनिया की तमाम अहम खबरें कभी भी कहीं भी सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर, खबरें होंगी सेहत और टेक्नोलॉजी की, आप जान पाएंगे सियासत और मईशत की ताजा तरीन सूरत हाल, पब्लिक न्यूज वेबसाइट के जरिए सबसे अलग सबसे बड़ी टीम के साथ हर खबर आप तक बर वक्त। www.publicnews.com